गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक टेंस, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पार्ट है ये भी एक, और इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो हम इसकी पहचान की अगर बात करें तो इसकी पहचान है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, और इसके साथ साथ इसकी पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रही हूं इत्यादि। ठीक है, तो इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमें पता है कि परफेक्ट जो टेंस होता है उसके अंदर हैज और हैव का प्रयोग होता है, और उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। यस, तो यहां पर हम बी की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, बीन, बी वाज बीन। तो यहां हमारा जो परफेक्ट टेंस है उसका हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो पोर्शन है वो क्लियर होता है कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि बीन। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन और हैव बीन। रही बात कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहां मेन जो इसकी वर्ब बनेगी वो है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, नियम वही रहेगा। सबसे पहले हम सिंपल वाक्य का लेते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन या हैव बीन, फिर मुख्य वर्ब लगाएंगे हम, मेन वर्ब लगाएंगे पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर जो बाकी का पोर्शन बचता है उसको हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, एक जो वाक्य है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब में हम जो वाक्य लिखते हैं तो लास्ट में का जो हमारा पोर्शन बचता है उसके साथ हम सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। ठीक है, जो काम हमारा फिक्स है उस पे हम लगा देंगे सिंस, और जो हमारा फिक्स नहीं है उस पे हम लगा देंगे फोर। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग फिक्स है, नून, आफ्टरनून, ठीक है, इवनिंग, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस का। और जो फिक्स नहीं है कि जैसे दो घंटे से 10 मिनट से, हमें ये पता नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से है, कहां से लेके कहां तक है, तो हम उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। इसकी हम डिटेल आगे करते हैं। ठीक है, तो हम अपना वाक्य शुरू करते हैं। वह लिखता रहा है, वह लिखता रहा है। दूसरा जो वाक्य है हमारा, मोहन पढ़ता रहा है, जैसे हमने यहां पे किया था ता रहा है, ते रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य भी बन सकते हैं। और जो दूसरा है से रहा है, से रहे हैं, सिंस और फोर का हम उसमें टाइमिंग देंगे कि वह कब से क्या कर रहा है। तो पहला वाक्य लेते हैं, वह लिखता रहा है, वह का क्या बनाएंगे हम, ही हैज बीन राइटिंग और फुल स्टॉप, मोहन पढ़ता रहा है, मोहन हैज बीन रीडिंग और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार के वाक्य बन गए हैं जिसमें ता रहा है, ते रहे हैं आदि आता है। अब हम बात कर लेते हैं से रहा है और से रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य जो वो भी कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले फोर का प्रयोग कहां पर होता है और सिंस का प्रयोग कहां पर होता है। तो सबसे पहले फोर का प्रयोग, जब अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है कि कोई भी कार्य कितने समय से, कितने टाइम से हो रहा है, तब हम, और वो है वह समय जो है अनिश्चित समय है, ठीक है, जिसका हमें पता नहीं है कि कब से क्या कर रहा है, तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 वर्षों से, तो हमें ये नहीं पता कि वो कौन से 5 वर्ष है, कब से लेके कब तक है, अनिश्चित है, तो हम लगाते हैं 4-5 ईयर्स। 2 घंटे से तो क्या लगाएंगे, 4-2 आवर्स। वर्षों से 4 ईयर्स। तो इसी प्रकार जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो वह कब करेंगे, निश्चित समय जब दिया गया है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जैसे दिन है, या एंडिंग पॉइंट है रात है, या जैसे महीना, कोई साल, कोई निश्चित समय अगर दिया गया है तो हम वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शनिवार से तो क्या लिखेंगे, सिंस सैटरडे। ठीक है, कोई साल दिया गया है जैसे 1983 से 1983, तो क्या करेंगे हम, सिंस 1983।
अगर दिया गया है हमारा कि 10 बजे से या 10 बजे ये मैं वो कर रहा हूं तो क्या रहेंगे, सिंस 10 ओ क्लॉक। अगर ऐसे दिए गए पिछले 10 सालों से, यानी कि 10 साल पिछले दे दिए हमने, तो क्या जाएगा, सिंस 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वह 5 घंटे से लिख रहा है। अब हम इसके नियम कर लेते हैं कि वाक्य वजह से हम हैज हैव का प्रयोग पहले बता चुके हैं कहाँ पे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन और हैव बीन है। ठीक है, सिंस और फार का प्रयोग भी हम बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज करेंगे। यहाँ पर इस वाक्य को हम देख लेते हैं, वह 5 घंटे से लिख रहा है। सब्जेक्ट है हमारा वह 5 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय अवधि दे रखी है कि वह 5 घंटे से, और ये निश्चित नहीं है, लिख रहा है हमारी मेन वर्ब हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज बीन हैव बीन, फिर लगाते हैं मुख्य वर्ब जो हमारी मेन वर्ब है, और उसके साथ लगाते हैं हम आईएनजी। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम पीरियड ऑफ टाइम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप, या उसके बाद जो भी जैसे दिया गया है 5 घंटे से, तो सिंस या फॉर 5 आवर्स। ठीक है, जो भी दिया गया है निश्चित या अनिश्चित वो हम देख लेंगे। इसको बना लेते हैं हम, वह 5 घंटे से लिख रहा है। जैसे हम वाक्य बनाएंगे इसी को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके चलेंगे, उसी से हम सब कुछ समझ जाएंगे। वह ही के साथ क्या आ गया, हैज। ठीक है, और अकेला हैज नहीं आएगा, के साथ बीन का भी प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन, और फिर मेन वर्ब आएगी हमारी राइट। ठीक है, राइटिंग आईएनजी लग जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग। अब यहां दिया है 5 घंटे से, 5 घंटे निश्चित नहीं है कौन से 5 घंटे हैं, 4-5 आवर्स, ही हैज बीन राइटिंग 4-5 आवर्स। तो है 5 घंटे से लिख रहा है। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे, जो हमने सब्जेक्ट लिया है हेल्पिंग वर्ब ली है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी has been है, has और been के बीच में हम लगा देंगे नोट, जैसे he has not been writing for 5 hours। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ has और been के बीच में नोट लगा देंगे। इसके बाद हमारा शुरू होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है has been, उसका हम has आगे ले आते हैं। has he, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था has he been writing, और आगे 4-5 आवर्स क्वेश्चन मार्क लग गया। इसके बाद जो हमारा चौथा सेंटेंस बचता है इंटरोगेटिव और साथ के साथ नेगेटिव, उसमें क्या करेंगे हम, has he not been writing 4-5 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां क्या करना, हमने बीन और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बीच में नोट लगा देंगे, तो हमारे ये इस प्रकार चारों सेंटेंस बन गए हैं, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमारे व्हाट्सएप नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अगला जो हमारा टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, वो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।